नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। खुशखबरी लेके आया हूँ, खुशखबरी नहीं क्लास लेके आया हूँ। फटाफट आ जाओ, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो भाई। पहले क्या लेके आया हूँ मैं, तो आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। एक बार शेयर कर दो फटाफट, शेयर करो दोस्तों, शेयर करो। एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है सबके पास? शाबाश। देखिए दोस्तों, 10 बच्चे आए हैं अभी यार। अरे सो गए क्या दोस्तों? सारे बच्चे सो गए? आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है ना? चलो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने कल बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आज आपके सामने एक महान हस्ती को बुला रहा हूं मैथ के अंदर, जिनका जयपुर में नहीं बल्कि अब तक काफी सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका रही है। सतवीर सर है उनका नाम, बहुत शानदार आपको मैथ पढ़ाएंगे। और आज से आपकी मैथ की क्लास कंटिन्यू शुरू हो गई है, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको मैथ। तो दोस्तों शेयर करो यार, आपके लिए एप्लीकेशन पे लगाओ क्लास, बिल्कुल एप्लीकेशन पे होगी। राम राम सर, राम राम भाई, संजू राम राम, श्याम यादव राम राम। एक बार शेयर करो यार अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट। 12 बच्चे जुड़े हैं, फटाफट शेयर कर दो एक बार। देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्लास शुरू होने वाली है और मैं उन गुरुजी को बुलाऊंगा तो उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए यार। ऐसे कम से कम एक बार बढ़िया तरीके से आपको क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास, जो गांव में दूर दराज बैठे हैं, जिनको क्लास नहीं मिल पाती है, मैथ में जीरो है, कहते हैं सर मैथ आती नहीं है। तो मैथ आपको वो जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि मैथ कैसे पढ़ाते हैं। मैथ आपको रटाएंगे नहीं, मैथ आपको सिखाएंगे कि कैसे मैथ पढ़ाई जाती है। एक बार शेयर करो यार अपने सभी दोस्तों के पास, एक बार शेयर कर दो यार। देखो मजा आना चाहिए क्लास के अंदर, क्लास के अंदर मजा आना चाहिए, क्लास पहुंचाओ। एक बार शेयर कर दो सभी दोस्त फटाफट। वेरी गुड, राम राम भाई राम राम, शेयर करो फटाफट। बहुत शानदार क्लास जाने वाली है और मैंने कहा था सुपर धमाका 23 तारीख से हो, उससे पहले थोड़ा थोड़ा धमाका शुरू कर दें ताकि सबको लगे कि हाँ यार क्लास। 17 बच्चे आए अभी, जल्दी करो यार, गुरुजी को बुलाने वाला हूं मैं, ठीक है। और मिस्टर आलोक, राहुल चौधरी, राधेश्याम, एक बार शेयर और कर दो और अपने स्टेटस पे लगा दो भाई, फटाफट शेयर करिए फटाफट। जय वीर तेजा जी महाराज की जय हो, ठीक है। गुजर भाई, ठीक है, राधेश्याम। देखिए मैं शुरू करूं उससे पहले अपने गुरुजी को बुलाऊंगा, सतवीर जी एक बार आइए। और सतवीर जी क्लास शुरू करने वाले हैं सर, काफी बच्चे जानते हैं, काफी बच्चे पढ़े हैं, आप मैथ पढ़ाएंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। रोज 8 बजे आपकी क्लास होगी मैथ की, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। और अब सर आपकी क्लास लेंगे, मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा, ठीक है। तो राधे राधे एक बार, है ना, और हम तो मिलते रहेंगे। लो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रोज 8 बजे नहीं, रोज 9 बजे लाइव होगी अपनी, ठीक है ना, 8 बजे नहीं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, सर ने बता ही दिया कि भैया आपकी रोज रात 9 बजे लाइव क्लास होगी मैथ की। और इस सुपर धमाके के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके थे, ठीक है, इसमें अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं वो इस सुपर धमाके के बारे में जानना चाहते हो तो अभी पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अभी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अभी बहुत कम ऑनलाइन है, शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों अपन आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का, एवरेज। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? एवरेज, ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मेरे को मैथ आती नहीं है, कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाओ, सर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। और अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों अपन एक टॉपिक ले रहे हैं आज, एवरेज, ठीक है। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, अभी स्टूडेंट बहुत कम ऑनलाइन है, फटाफट शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है भाई। अपन औसत की बात करते हैं, इतने में आप शेयर करते रहना। औसत, औसत होता क्या है अपने, देखो औसत नाम आते ही एक दिमाग में आया होगा कि मैंने छठी क्लास में पढ़ा था, सातवीं में पढ़ा था, आठवीं में पढ़ा था, नवीं में पढ़ा था, अब ये वापस से अपने को क्यों पढ़ना पड़ रहा है। भाई अपन वहाँ पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ जो पढ़े थे वही चीज अब अपने कंपटीशन एग्जाम में आएंगी, ठीक है। तो पहले औसत, औसत का मतलब होता क्या है पहले तो ये बताओ, औसत का मतलब होता क्या है, औसत का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ होता क्या है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, भाई ये औसत का मतलब नहीं है। औसत का मतलब होता है एक का, एक का या प्रत्येक का, औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का। तो फिर सर हमने जो पढ़ा था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो क्या था, वो भाई औसत निकालने का फॉर्मूला था। अब ये कहोगे कि सर औसत का मतलब एक का या प्रत्येक का कैसे होता है, इसका मतलब आप जरा बताना। तो भाई अगर मैं आपको ये कहूं कि एक कक्षा के, गौर से सुनना, अगर मैं आपको कहूं कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब होता है उस कक्षा में लड़के भी और लड़कियां भी, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है, 52 किलोग्राम है। तो भाई ये तो जरूरी है नहीं कि भाई कोई लड़की क्या पता 60 किलोग्राम की हो, कोई लड़की क्या पता 30 किलोग्राम की हो, कोई लड़का क्या पता एक क्विंटल का हो, 100 किलो का हो, और कोई क्या पता 25 किलोग्राम का ही बैठा हो, ठीक है। जैसे ही मैं कक्षा के अंदर एंटर किया, मेरे को प्रत्येक का वजन पता नहीं था, 25 किलो वाले का पता नहीं, 40 किलो वाले का पता नहीं, अलग अलग सबका वेट था। लेकिन जैसे ही मैं कक्षा के अंदर एंटर हुआ, मैंने कक्षा में घुसते ये कहा कि इस कक्षा का औसत वजन कितने किलोग्राम है, 52 किलोग्राम, इसका मतलब जिस लड़के का वजन 100 किलोग्राम था वो लड़का भी कितने किलोग्राम का हो गया, 52 किलोग्राम। जो लड़की 30 किलोग्राम की थी वो लड़की भी औसत वजन बोलते ही कितने किलोग्राम की हो गई, 52 किलोग्राम की। तो औसत का मतलब ये कह सकते हैं, अगर पर्सनली लड़की की बात करें तो उसका वेट भी कितना है, 52, अगर पूरी कक्षा का भी बात करें तो उसका मतलब भी कितना है, 52 किलोग्राम, ठीक है। तो अभी इसकी अपन और डिटेल पढ़ते हैं। देखो इधर, देखो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक कक्षा के औसत निकालने का जो अपन पहले मेथड यूज करते थे, और आज अपने को कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या मेथड यूज करना है, बस वही फर्क है अपने पास। पहले अपने एग्जाम में क्या करते थे कि कोई क्वेश्चन आता था, अपन यहाँ से स्टार्ट करते थे, लास्ट तक बढ़ते थे, तब अपने को एग्जामिनर जाकर कितना नंबर देता था, 5/5 नंबर देता था या 4/5 नंबर देता था। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आपके चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शनों में अगर जो क्वेश्चन आप, जो ऑप्शन आपका सही होगा उसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपके पास नंबर मिलेगा, अगर सही नहीं करोगे तो कोई नंबर नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में, देखो भाई एक विद्यार्थी है वो किसी परीक्षा के दौरान किसी सब्जेक्ट के अंदर 55 नंबर लाता है, किसी सब्जेक्ट में 65 नंबर लाता है, किसी सब्जेक्ट में 75 नंबर लाता है, किसी में 90 लेकर आता है और किसी में 80 नंबर लेकर आता है, ठीक है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई इस विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक क्या होगा, मतलब उसका एवरेज जो प्राप्तांक है वो क्या होगा। तो आप यही कहोगे कि सर औसत बराबर छोटी सी बात है, औसत बराबर आप तो ये कर दो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आप यही करोगे, 55 प्लस 65 प्लस में कितना 75 प्लस में 90 प्लस में कितना 80, और राशियों की संख्या, संख्या गिन लो भाई कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने का भाग दिया अपन, 5 का। अब इसको अपन जोड़ेंगे, इकाई अंक जोड़ोगे, 0 0, 5 10 और 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल की कितनी, 1। भाई जल्दी से सब चैनल को भाई शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 5 + 15 हासिल की कितनी बच गई, 1। 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 और 1 कितना हो गया, 36, डिवाइड बाई 5,
पांच से कितनी बार कटा? सात बार। कितना बच गया? एक। पांच से कितनी बार कटा? तीन। तो आपका जो एवरेज था वो एवरेज कितना आ गया? 73। हाँ भाई, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज बढ़ा दो भाई, आवाज बढ़ाना। हेलो, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। आवाज बढ़ाना, आवाज ठीक है, आप आवाज बढ़ाओ, ठीक है। तो अपना जो एवरेज था वो एवरेज कितना आया भाई? 73। अब देखो, ये तो थी अपने पास पांच संख्या, ये तो अपने पास संख्या कितनी थी? पांच। सीधी से संख्या भी थी, अपन ने जोड़ लिया, पांच का भाग देना था, कोई बड़ी बात नहीं है, भाग दे भी दिया। लेकिन कई बार संख्या अपने पास ऐसी जुड़ जाती है कि संख्या में भाग देते हैं तब अपने पास पॉइंटों में आंसर आता है, दशमलवों में आंसर आता है, ठीक है। कई बार अपने से जोड़ने में भी गलती हो जाती है, तो क्यों ना अपन कोई ऐसी संख्या माने ताकि अपने को जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन में वहां पे कोई दिक्कत ना आए, वहां पे अपन एक बार में जो आंसर निकाले वो अपना आंसर ठीक हो। तो अपन क्या करेंगे, देखो इधर, देखो भाई मेरे पास कितनी संख्या थी? पांच, 55, 65, 75, 90 और 80। इनका मेरे को क्या निकालना था? एवरेज। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ठीक है, अपन एक लॉजिकल मेथड देखते हैं कि अब सर ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा कि माना, मैथ के अंदर माना ही चलता है, माना और एक्स ही चलते हैं, ठीक है। माना जो मेरा औसत था, माना मेरा औसत, वो मैंने, देखो औसत अपने को मानना क्या है ये भी डिपेंड करता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 55। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 90। ये बड़ी संख्या दिख रही है और ये कौन सी संख्या दिख रही है? छोटी संख्या। इनके बीच की आप कोई भी एक पूरी पूरी संख्या औसत मान लो, 55 के बाद 60 भी मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, 70 भी मान सकते हो, 75 भी मान सकते हो, 85 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो। भाई मानने को अपन 77 भी मान सकते हैं, 66 भी मान सकते हैं, 53 भी मान सकते हैं, 1,00,000 भी मान सकते हैं, भाई आंसर सबसे आएगा। लेकिन अपने को कैलकुलेशन छोटी करनी है तो पूरी पूरी संख्या मानना, कि मान लिया जैसे मैंने, मेरा औसत कितना था? 70। औसत कितना था मेरा? 70। ये मैंने मानना है मेरी तरफ से, आंसर नहीं है इसका, मानना है ये 70। यहाँ पे मानना है वो संख्या कितनी है मेरी? 70। अब संख्याओं के ऊपर चलते हैं, ये संख्या कितनी है? 55। ये 55 संख्या इस 70 से छोटी है या बड़ी? छोटी है या बड़ी? तो भाई सर सीधी सी बात है, छोटी है। छोटी है तो कितनी छोटी है ये भी बताओ, 70 से कितनी छोटी है? सर 15। 15 छोटी है तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है भाई। अगर ये संख्या 15 छोटी है तो मैंने ये माइनस का कर दिया। और कितना, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है क्या, जल्दी से बताना एक बार कमेंट करके, आ रही आवाज? ठीक है। अब इधर देखो, मैंने औसत माना है मेरी तरफ से 70, यहां पे संख्या लिखी हुई थी 55, तो मैं देखा कि ये संख्या छोटी है, 70 से कितनी छोटी है? 15 छोटी है। छोटी है तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, 15। अगर संख्या बड़ी होती तो किसका चिन्ह लगाता? प्लस का चिन्ह लगाता, ठीक है। ये संख्या, दूसरी संख्या देखो भाई, 65, ये छोटी है या बड़ी है? सर ये भी छोटी है। छोटी है तो कितनी छोटी है? सर 5 छोटी है, तो फिर मैंने क्या कर दिया? माइनस का 5, ठीक है। तीसरी संख्या पे चलते हैं, सर 75, 75 तो बड़ी है, बड़ी है तो क्या करूं? प्लस का 5 कर, ठीक है। अगली संख्या पे चलते हैं, संख्या है 90, 90 छोटी है या बड़ी है? सर बड़ी है, बड़ी है तो कितनी बड़ी है? सर 20 बड़ी है, तो प्लस का 20। अगली संख्या 80, 80 छोटी है या बड़ी है? सर बड़ी है, तो कितना हो गया भाई? प्लस का 10। बस इन्हीं के ऊपर अपने को काम करना है, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई 55, 65, 75, 80, 90 को जोड़ने की अपने को जरूरत नहीं है।
सर कैसे आंसर आएगा? अपने को पता है कि प्लस के पांच में यदि माइनस का पांच जोड़ूंगा तो कितना आएगा? जीरो। क्यों आएगा? क्योंकि सर प्लस के पांच से माइनस का पांच कैंसिल हो गया। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ लो भाई, प्लस के पांच से माइनस का पांच कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पे प्लस और प्लस कितने रह गए? प्लस का 30। यहां पे कितना है? माइनस का 15। प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की? प्लस की संख्या बड़ी है। उसमें से 15 निकालोगे, 15 निकाला तो बचा कितना मेरे पास? सर 15 बच गया। ये 15 किसका बचा है, प्लस का या माइनस का? प्लस का या माइनस का? तो सर प्लस का बचा है, क्योंकि संख्या बड़ी प्लस की थी। ठीक है, तो 15 बच गए। अब इस 15 का करना क्या है? देखो, अपन कर रहे थे ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो अपन ने इन्हीं संख्याओं को ही तो जोड़ा है, और इन संख्याओं को जोड़ा है तो कितना आया है? प्लस का 15। तो प्लस के 15 में कितने का भाग दे दूं? 5 का। 5 का भाग दिया तो कितना आया? प्लस का 3। ये जो प्लस का 3 आया है, देखो भाई प्लस का आया है तो इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। अगर यहां पे माइनस का आया हो तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 70 में 3 जोड़ा तो मेरा एवरेज कितना आ गया? 73। और यही मेरा क्या था? आंसर 73। और यही मेरा क्या था? आंसर। अभी भी जिसको ना समझ में आया हो, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको बिल्कुल डिटेल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको जल्दी से आप सोल्व करके बताओगे कि आपके पास एवरेज लिखा हुआ है 52, 68, 77, 73 और 80। आपको इसका औसत बताना है, फटाफट से बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताना। राम राम भाई, हरि वर्मा, राम राम गणेश, बहुत अच्छा ट्रिक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कहाँ गए सर? अरे भाई सामने ही तो हूँ, यहीं पे तो हूँ, और जाऊँगा कहाँ आपको छोड़ के? एक तो इतनी दूर से मैंने आपको बुलाया है, फिर बात छोड़ के थोड़ी जाऊँगा आपको। भाई आवाज़ के लिए नया नया स्टूडियो है अपना, एक दो दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी, आप बताओगे तब ही क्लियर होंगी ये। ठीक है, अभी आपने कहा है कि आवाज़ कम आ रही है, ठीक है वो सुधार रहे हैं। अभी अभी आवाज़ आ रही है क्या? कमेंट करके बताना जल्दी से, आवाज़ साफ आ रही है क्या अभी? ठीक है, अभी आंसर आया है मेरे पास 70। लोकेंद्र सिंह चौधरी, आंसर आया है 70। अभी चेक करते हैं भैया आपका आंसर, और कोई जल्दी बताओ फटाक से। अशोक कुमार भोसलिया, आंसर आया है 70। ठीक है भाई, इधर देखते हैं आपने कौन सा तरीका यूज किया है, मुझे नहीं पता। आपने अगर ये किया है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो आपको क्या करना है? इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, और कितने का भाग देना है? 5 का। एक बार इस मेथड से अपन यूज करते हैं, इकाई का अंक जोड़ते हैं, 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 और 7 कितना हो गया? 17। 17 और 3 कितना हो गया? 20। 20 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 20। तो 20 की 0 हासिल की कितनी हो गई भाई? 2। हासिल की कितनी हो गई? 2। अब अंक जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 2 35। 35 में कितने का भाग देना है? संख्या देख लो, 1 2 3 4 5, कितने का भाग दे दो? 5 का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 70। अशोक कुमार और लोकेंद्र भाई, आपका बिल्कुल सही आंसर है, राहुल चौधरी 70। ठीक है भाई, अब अपन दूसरे देखो, जो अपना लॉजिकल मेथड था उस मेथड से देखते हैं अपन इसको। दूसरा लॉजिकल मेथड क्या था? देखो, मैंने, मेरे को पता नहीं था भाई इसका एवरेज 70 है या क्या। ठीक है, मैंने मेरी मर्जी से क्या किया है? माना है, माना औसत। अब मानना क्या है वो अपने ऊपर डिपेंड है, मानना क्या है वो अपने ऊपर डिपेंड है। सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 52। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 80। 52 से लेकर 80 तक
इनके बीच में आने वाली किसी भी संख्या को अपन औसत मान सकते हैं, किसी भी संख्या को, 53 को ही मान लो, चाहे 55 को मान लो, 60 को मान लो, 68 को मान लो, 73 को मान लो, 75 को मान लो, 77 को मान लो, किसी को भी अपन एवरेज मान सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या मानना, देखो आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन ऐसी संख्या मानना ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में कैलकुलेशन ही खराब होती है, क्वेश्चन सारे अच्छे आते हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे आते हैं, बस कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड है। कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन इजी है, उसके लिए भी ये मेथड वाला तो ठीक है। तो 52 से लेकर 80 तक मैं मेरी मर्जी से, देखो भाई आप दूर बैठे हो, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर मैं औसत कितना मानूं, ठीक है, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। 52 से लेकर 80 के बीच में मैंने एवरेज मान लिया मेरा 60, एवरेज कितना मान लिया 60, 65 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं। अब मैंने माना है 60, भाभी इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, एवरेज मैंने माना है 60। अब इस 60 का करना क्या है, 60 को चेक करना है इन संख्याओं से, यहां पे संख्या लिखी हुई है 52। अब देखो ये 52 छोटी है या बड़ी है, सर छोटी है, छोटी है तो कितनी छोटी है 60 से, 8 छोटी है। अब 8 के आगे किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का, देखो छोटी है, पीछे वाला गैर डालोगे तो भाई किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। अब ये 68 संख्या जो छोटी है या बड़ी है, सर बड़ी है, तो बड़ी है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का 8। 77 को देखोगे, 77 60 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो प्लस का 17। 73 बड़ा है या छोटा है, सर बड़ा है, प्लस का 13। 80 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है सर कितना, 20। अपने को केवल इन्हीं संख्याओं को जोड़ना है, छोटी संख्याएं मिल गई अपने पास, देखो माइनस के 8 से प्लस का 8 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अपन जोड़ेंगे 17 और 13 कितना हो गया, 30। 17 और 13 को जोड़ा तो कितना हो गया, 30। 30 और 20 कितना हो गया, 50। ये ध्यान रखना, ये 50 किसका है, प्लस का है या माइनस का, प्लस का है, ठीक है। अपने पास संख्या कितनी थी, 5, मैंने 5 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10। ये 10 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का, प्लस का, ये प्लस का 10 आ रहा है, इसमें जोड़ दो, प्लस में 10 करोगे अपना एवरेज कितना आएगा, 70 आएगा। भाई अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अगर इस चीज को यहां पे सीख लिए तो आगे आने वाले क्वेश्चन विथ इन 20 सेकंड, 20 के 25 सेकंड कर लो, अगर यहां 20 सेकंड में आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आप वो क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में निकालोगे, क्योंकि वहां अपने थोड़ा बहुत डर बैठा रहता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। अपन यहां तो जल्दीबाजी में कर लेते हैं, वहां पे अपना पेन बहुत धीरे चलेगा, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ गया तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, ठीक है भाई। अपन बात कर रहे थे औसत की, अभी जो मैंने आपको बताया ये इसका थोड़ा सा बेस था, ठीक है भाई। अपन औसत की बात करते हैं तो औसत का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला अपन तब ही यूज करेंगे जब अपने को किसी क्वेश्चन का या किसी टाइप की बेसिक मेथड चेक करनी होगी, ठीक है, अदरवाइज अपने को फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, लॉजिकल मेथड से देखेंगे। औसत का मतलब अभी आपको बता ही दिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का, ठीक है। अब मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे भाई, जिसके पास जिसको ये लगे कि सर मेरी मैथ बहुत ही वीक है, भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल धीरे पढ़ाऊंगा, अपना खुद का चैनल है, अपने को कोई लोड नहीं है कि अब एक घंटे में फटाफट से पढ़ाओ या कुछ है, ऐसा कोई रोल नहीं है। बिल्कुल जीरो से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, और जीरो का मतलब अपने को पता है, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपनी पूर्ण संख्या। और अपन यहीं से इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आराम से चेक करते रहे। हाँ, उससे पहले आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करते रहिए भाई, शेयर करने में, शेयर का बटन दबाने में थोड़ी जोर आ रहा है, ठीक है। आज बिना बताए अचानक से क्लास लिए हैं आपकी, अदरवाइज 23 तारीख का शेड्यूल था, 23 तारीख से आपकी प्रॉपरली क्लास तो चलेंगे, लेकिन रात को 9 बजे हमेशा आपके इस अतुल राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी गणित की क्लास लगेगी, मैथ की क्लास लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहना। अब जो आपको मैथ पढ़ाई जा रही है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
भाई अपन टाइप नंबर एक, टाइप नंबर एक, और टाइप नंबर एक का अपन ले रहे हैं पूर्ण संख्या, और अपने को अभी आपको बताया है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाती रहे, अनंत तक जाती रहे, कौन सी संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या। भाई इस क्वेश्चन का इस जो आपकी टाइप है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, जिसके ऊपर आप हमेशा रिट लगाते हो, उस रिट लगाने का रीजन बता रहा हूं आज आपको, ठीक है। अभी थोड़ी मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूँ, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको, उसके अंदर डिफरेंट देखना है कि सर इसके अंदर ये डिफरेंट लिखा हुआ है। मैं एक तरफ लिख रहा हूं कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, और दूसरी साइड लिख रहा हूं प्रथम 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। कोई मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम से हैं, एक में थोड़ी सी हिंदी ज्यादा लिख दी है, एक में थोड़ी सी हिंदी कम है, नहीं दिख रहा है तो जल्दी से देख लो। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे बड़ा रीजन है इन दोनों के बीच में छुपा हुआ, आप कोर्ट के अंदर जो रेट लगाते हो ना, उसका रीजन यहीं पे छुपा हुआ है। अब ये अपन पढ़ तो लेते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास में पढ़ो चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ो, अपन पढ़ चुके हैं, हर टीचर बता भी चुका है, लेकिन अपन इस चीज को समझे नहीं है, बस अपन ने उसकी टीचर की ट्रिक देख ली कि भाई ट्रिक शानदार है, बस अपना काम बन गया। ये नहीं देखे कि उस क्वेश्चन के अंदर बेस क्या छुपा हुआ था, वो जरा आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करना। अब भाई जल्दी से बताओ आंसर, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 21 आ रहा है, 10 आ रहा है भाई, 10 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 21 आंसर बिल्कुल गलत है। लोकेंद्र सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं अपन इस बात को, चलो देखते हैं। देखो भाई प्रथम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रथम की बात हो रही है, प्रथम की बात हो रही है, और कौन सी संख्या की बात हो रही है, पूर्ण संख्या की बात हो रही है। भाई मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, एक मिनट, पूर्ण संख्या की बात हो रही है, और अपने को पता है कि प्रथम जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है, जीरो, ठीक है। अपने को कितनी पूर्ण संख्या चाहिए, 20, तो इसके बाद लिखूंगा मैं 1, 2, 3, ऐसे लास्ट वाली कौन सी लिखूं मैं, 20, कौन सी लिखूंगा, 20। अरे भाई ये 20 नहीं आएगा, गलत है, ये 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन देखो भाई, मैं अगर जीरो को छुपा लूं तो 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हो गई, 20। अरे तो जीरो इसके अंदर एक्स्ट्रा हो रहा है, संख्या तो 21 हो गई, जबकि अपने को संख्या कितनी लेनी थी, 20। तो इसमें ये लास्ट वाली संख्या आपकी 20 ना होकर कितनी होगी, 19, कितनी होगी भाई, 19। अब काउंट कर लो, 20 संख्या पूरी हो गई, जीरो भी इसके अंदर शामिल है, 1 से लेकर 19 तक 19 संख्या हो गई, 1 जीरो एक्स्ट्रा, 20 संख्या हो गई। अब इनका आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करते हो कि सर आप ये करोगे 0 + 1 + 2 + 3 और ऐसे लास्ट में आपको कितना, प्लस में 19, और कितने का भाग देना है आपको, संख्या टोटल कितनी है, 20। ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन अपने को 20 तक ही दे, क्वेश्चन अपने पास 200 तक आ जाए, तो ऐसे ही ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, और लास्ट में आपको 199 लिखना पड़ेगा और कितने का भाग देना पड़ेगा, 200 का। कर सकते हैं, मना मत करना कि अभी सर हम तो नहीं कर सकते, भाई सब कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को टाइम चाहिए। अरे 0, 1, 2, 3, 4 को अपन जोड़ नहीं सकते क्या, जोड़ सकते हैं, जो भी आपके पास संख्या आएगी 20 का भाग दे नहीं सकते क्या, दे सकते हैं, लेकिन अपने पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। इसके लिए एक प्रोसेस देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, बिल्कुल समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो इधर गौर से देखना, अब अगर ये टाइप समझ लिए ना, तो मतलब ये क्वेश्चन आपको कभी मार्कर या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने के लिए। गौर से समझना इस चीज को, मैं बता रहा हूं, आप इस इधर फोकस करते रहना, और एक बार भाई शेयर तो कर दो कम से कम इस वीडियो को, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। भाई दोनों के अंदर दिन रात का अंतर है, भाई बहुत अंतर है दोनों क्वेश्चनों के अंदर, दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है वो इधर देखो,
दोनों क्वेश्चनों में अंतर बता देता हूं पहले, फिर अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे पहली 20 पूर्ण संख्या होंगी 0 से लेकर कहां तक होंगी भाई 19 तक। इसमें देखो प्रथम 20 और 20 के आगे क्या लिखा हुआ है, तक। 20 के आगे क्या लिखा हुआ है, तक। और तक का मतलब होता है एंड, मतलब आपको वहां पे खत्म करना है वो लाइन। तो यहां पे भी पहली पूर्ण संख्या तो 0 लोगे, दूसरी 1, फिर 2, ऐसे आपको लास्ट वाली कौन सी संख्या लेनी है, लास्ट वाली संख्या लेनी है 20, क्योंकि आपको 20 पे खत्म करना है, क्योंकि 20 के आगे क्या दे रखा है, तक दे रखा है। तो इधर तो संख्या हो गई 20, इधर संख्या कितनी हो गई 21, इधर सभी संख्याओं को जोड़कर कितने का भाग लगेगा 20 का, इधर सभी संख्याओं को जोड़कर कितने का भाग लगेगा 21 का, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 20 संख्या हो गई, 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो संख्या कितनी हो गई 21। अब इसकी अपन देखो भाई, इतनी संख्या अपने को जोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, एक थोड़ा सा मेथड है वो आप सीख लो एक बार। वो डिलीट हो गया, देखो इधर अगर मैं आपके पास लिखूं कि 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 15, बस ये 5 संख्या ले लो, इनका औसत क्या होगा, तो आप औसत के लिए सारी संख्याओं को जोड़कर कितने का भाग दोगे 5 का भाग दोगे, ठीक है। 7 और 5, 12, 12 और 9, 21, 21 और 11 कितना हो गया 21 और 11, 32, 32 और 13, 35, 35 और 15 कितना हो गया 50, 50 में कितने का भाग 5 का, तो आपका आंसर कितना आया भाई 10 आ गया 10। अगर यही संख्या आपके पास होती 99, तो आप इस तरीके से कर सकते थे क्या, कर सकते थे, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा अपने पास। तो देखो भाई यहाँ 5 और 7 इनके बीच में कितने का अंतर है 2 का, 7 और 9 कितने का अंतर है 2 का, 11 और 13 कितने का अंतर है 2 का, ये 9 और 11 में भी कितने का अंतर है 2 का, 13 और 15 में भी कितने का अंतर है 2 का, मतलब इन पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है, पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है। और जहां भी पदों के बीच में समान अंतर आ रहा हो, कौन सी श्रेणी लागू होती है, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी लागू होती है भाई, समांतर श्रेणी। और औसत में कहीं पे भी, औसत में कहीं पे भी समांतर श्रेणी लागू होती हुई मिल जाए, तो वहां पे औसत निकालने के लिए आप पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर कितने का भाग दे देना 2 का। ध्यान रखना, समांतर श्रेणी कहीं पे भी लागू होती हुई मिल जाए, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर कितने का भाग दे देना 2 का। 2 का क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि संख्या कितनी है 2, तो दोनों का योग करके कितने का भाग दे रहे हैं 2 का। तो अब यहाँ पे देखो, पहली संख्या कितनी थी 5, लास्ट वाली संख्या कितनी थी 15, 5 और 15 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 20, और 20 में कितने का भाग 2 का, 2 से कितनी बार कट गया 10 बार, और 10 ही मेरा आंसर था, 10 ही मेरा क्या था आंसर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे कि भाई प्रथम 20, देखो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का यही पूछा था आपसे, तो भाई पहली कौन सी थी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट वाली कौन सी थी 19। इसका औसत निकालना है तो पहले चेक कर लो अंतर कितने तक का है 1 का, अंतर कितने का है 1 का, अंतर कितने का है 1 का, सभी पदों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 1 का, तो कौन सी श्रेणी लागू हो रही है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लागू हो रही है, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस में लास्ट वाली संख्या और कितने का भाग 2 का। तो भाई 19 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 9.5 आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक है। पहली संख्या को जो, हाँ जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या में ही अंतर आए भाई, कहीं पे भी अंतर आ सकता है, प्राकृत संख्या में, सम संख्या में, विषम संख्या में, गुणज वाली संख्या में, इन सभी संख्याओं के अंदर पदों के बीच में समान अंतर आता है। इन सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर कितने का भाग दे देना 2 का। अभी दूसरा क्वेश्चन था कि प्रथम 20 तक की,
20 तक की, तो यहाँ पे तक लिखा हुआ था, इसके अंदर पहली संख्या 0 आई थी और लास्ट वाली संख्या कौन सी आई थी, 20। तो इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़कर कितने का भाग दे दो, 2 का। 0 और 20 को जोड़ा 20, 20 में 2 का भाग दोगे तो इसका आंसर कितना रहेगा, 10। देखो दो क्वेश्चन थे, सेम से लग रहे थे लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। दूसरे वाले के आंसर थे 10 और पहले वाले के आंसर कितने थे, 9.5। दोनों बहुत दिन रात का अंतर है, बस तक का ध्यान रखना, जिसमें तक लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब उस संख्या पे आपको खत्म करना है, ठीक है। अब इसकी टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपन। फटाक से अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओगे। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसका आप आंसर फटाक से बताओ। भाई लोकेंद्र, विकास, अशोक, सब इसका आंसर बताओ फटाक से। अब भाई जल्दी से शेयर कर दो, शेयर करते रहो फटाक से आंसर। दिल विच नाम है पापा जी, वाह भाई वाह, पहले वाह भाई, दिल विच नाम है पापा जी, भाई तेरे को पापा बनने की बहुत जल्दी है, हैं? या फिर पापा जी से प्रेम है, दो ही रीजन हो सकते हैं इसके, या तो तेरे को पापा बनने की इच्छा है या फिर पापा जी से बहुत प्यार करता है जो तू उनको कह नहीं पा रहा। भाई मैं कह दूं लेकिन वो लाइव क्लास नहीं देखेंगे। भाई लोकेंद्र सिंह चौधरी आंसर अलग है, लोकेंद्र सिंह चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल विच नाम है पापा जी, कम से कम शेयर तो कर दो इस वीडियो को, लोकेंद्र सिंह चौधरी शेयर करते रहो भाई, आपका आंसर आ चुका है, देखते हैं। देखो भाई आंसर था, क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम, प्रथम का मतलब पहला ही होता है, ये बताने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि प्रथम क्लास पास करके आए हो सबके सब। प्रथम 90, अब इस 90 के आगे क्या लिखा हुआ है, तक, और इस तक का मतलब होता है एंड, मतलब आपको यहां पे खत्म करनी है ये बात। प्रथम 90 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मुझे फटाक से बताओ भाई, पहली पूर्ण संख्या तो 0 ही होगी ना, ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी होगी, 1, फिर 2, ऐसे लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 90 होगी या 89 होगी, फटाक से बताना, 90 होगी या 89 होगी। भाई यहाँ पे तक लिखा हुआ है, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 90, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी हो गई, 90। क्या ये बताओ कि इनके पदों के बीच में समान अंतर आएगा क्या, समान अंतर के लिए देख लेते हैं, 0 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, 3 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का, 89 और 90 में भी अंतर कितने का है, 1 का। इसका कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास समांतर श्रेणी लागू होगी, तो समांतर श्रेणी लागू होगी तो इसका औसत क्या होगा भाई, इसका औसत होगा पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर कितने का भाग देना है, 2 का। तो पहली संख्या 0, लास्ट वाली संख्या 90, कितने का भाग, 2 का, 90 और 0 को जोड़ा तो 90, 90 में 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आया, 45। लोकेंद्र सिंह चौधरी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई आंसर बिल्कुल ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन का आंसर भी फटाक से बता देना, उसी से रिलेटेड है, पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड। भाई अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर जल्दी पढ़ाओ, तो भाई पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, अपना खुद का चैनल है, नो टेंशन रहो, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। भाई अगर ये बेस मजबूत हो गया ना, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप मात्र 20 या 25 सेकंड, लास्ट 20 या 25 सेकंड, इसका आंसर फटाक से बताओ।
44.5 लोकेंद्र सिंह चौधरी 44.5 बिल्कुल। और कहाँ गए भाई, बाकी सब देख ही रहे हो क्या, समझ आए आ रहा है या नहीं आ रहा? रूपी का पलसानिया, नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दिल विच नाम है पापा जी 44.5, लोकेंद्र चौधरी 44.5। और कोई? चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। देखो यहां भी प्रथम की बात हो रही है, यहां भी प्रथम की बात हो रही है, और प्रथम का मतलब पहली संख्या, 90 पूर्ण संख्याओं का। देखो भाई पहली जो पूर्ण संख्या होगी वो आपकी जीरो होगी, फिर एक, फिर दो, ऐसे आपकी पूर्ण संख्या चलेंगी। अब इस 90 के आगे तक लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तक पहले वाले क्वेश्चन में था। इसका मतलब इस 90 पूर्ण संख्याओं का निकालना है, तो अगर मैं यहां पे 90 ले लेता हूं तो संख्या 90 नहीं होगी, संख्या कितनी हो जाएगी? 91। क्यों? क्योंकि एक जीरो को हटा दो, एक से लेकर 90 तक कितनी संख्या हो गई? 90, एक जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है तो संख्या कितनी हो गई? 91। ये गलत हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान रखना आपको लास्ट वाली संख्या 90 ना होकर कितनी होगी? 89। अब गिन लो पूरी 90 संख्या हो गई। अपने को पता है पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है, कौन सी श्रेणी लागू होगी समांतर? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे सर? पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर दो का भाग कर दो। इतना बोर क्यों कर रहे हो? अरे भाई बोर इससे पहले थोड़ी थे, इससे पहले थोड़ी पता था कि भाई पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ के दो का भाग देना। हर पता होगा लेकिन हर स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं थी। ठीक है, तो भाई 89 के अंदर दो का भाग दोगे तो कितना आएगा? 44.5। अरे 89 में दो का भाग भी मैं ही दूं क्या? दे लोगे? 89 के अंदर कितने का भाग देना है सर? दो का भाग। पहले ये वाली विधि चलती थी, 89 में कितने का भाग? दो का भाग, दोनों तरफ फावड़े लिख के दे लेना। ठीक है, 44.5 आएगा। ये अपनी टाइप एक क्लियर हो, बस इसके अंदर समझाने लायक कुछ नहीं था, समझाने लायक यहाँ पे बस एक ये था तक। अगर तक आ जाए उस चीज का ध्यान रखना भाई, गलती मत कर देना। ठीक है, यही प्रोसेस आपको प्राकृत संख्याओं में चलानी है। प्राकृत संख्या में तक दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राकृत संख्याओं में तक दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि उसके अंदर जीरो संख्या एक्स्ट्रा नहीं आती है। क्योंकि अपना जैसे अगला क्वेश्चन यही है, देखो ये प्राकृतिक, इससे पहले ये क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसके जस्ट आगे तीसरा क्वेश्चन ही करेंगे। देखो इसके अंदर ये आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक। देखो प्राकृत भी लिखा हुआ आ सकता है, प्राकृतिक भी लिखा हुआ आ सकता है, अंग्रेजी में दे दे तो नेचुरल नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। एसएससी जीडी 2015 की एग्जाम के अंदर ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, देख लेना भाई। इसका औसत भी पूछा था एक पारी के अंदर, और एक एग्जाम के अंदर 24 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ना पूछ के योग भी पूछा हुआ है। ठीक है भाई, ये 2015 वाली जो एग्जाम आई थी एसएससी जीडी की, उसके अंदर ये क्वेश्चन था 24 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का। ये बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जान लो कि सर प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। ये जो प्राकृत संख्या है ये अपनी दूसरी टाइप ही मान लो। प्राकृत संख्या वे संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर कहां तक चली जाए? अनंत तक। या फिर ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होगी? एक से लेकर कहां तक चली जाए? अनंत तक। क्वेश्चन है अपना प्रथम, 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्या। तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? जीरो या एक? कौन सी होगी? जीरो या एक? भाई पूर्ण संख्या तो कौन सी होगी? जीरो। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? एक। एक, दो, तीन, और लास्ट वाली कौन सी संख्या पूछ रहा है? ये 500। कौन सी संख्या पूछ रहा है? 500। तो यहाँ पे पहली संख्या, देखो पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है क्या, ये भी चेक कर लेना, कहीं पदों के बीच में समान अंतर आ ही नहीं रहा हो और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ के दे रहे हो पांच ऐसे ही फालतू। ठीक है, देख लेना ये जरूर आप भाई। 250.5 लोकेंद्र चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गया दिल विच नाम पापा जी, आंसर नहीं आया तेरे। देखो पदों के बीच में एक एक का अंतर आ रहा है,
पहली संख्या एक, लास्ट वाली संख्या 500, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 501। कितने का भाग देना है? दो का। कितने का भाग देना है? दो का। 500 में दो का भाग दिया तो कितना आया? 250। और एक में दो का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.5। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई? 250.5। भाई दो का भाग अब मेरे को थोड़ी दिलाने हो, आप दे लेना, ठीक है? 250.5 आंसर हो गया। हाँ, इसका आंसर जरूर बताना आप, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 24 से 97 तक की सभी प्राकृतिक, फटाक से सी। अरे भाई, अरे भाई, नाराज मत करे यार, जल्दी 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 बताओ, शेयर करते रहो फटाक से टॉक से। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक आपका ये बेस ही चल रहा है औसत का, ठीक है? हाँ, जल्दी से देखो, देखो 24 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखते हैं भाई, देखो भाई, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो वो भी प्राकृत संख्या है, जो संख्या 15 से स्टार्ट हो वो भी प्राकृत संख्या है, ठीक है? हाँ, उसको अपन प्राकृत संख्या को क्रमागत संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या को क्रमागत, क्रमागत संख्या भी बोल सकते हैं उसको। तो भाई ये क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है कि 24, 25, 26 ऐसे आपके पास 93 और 94, इन सारी संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत निकालने के लिए सीधा सा तरीका है कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या हो गई उतने का भाग दे दे। लेकिन ये कोई 2, 4, 5 संख्या तो है नहीं कि भाई इनको जोड़ा अपन ने, 5 का भाग या 10 का भाग दे दिया, अपने आंसर आ गया। संख्या ज्यादा है, कैलकुलेशन भी लंबी होगी, जोड़ना भी पड़ेगा, फिर भाग भी देना पड़ेगा। मैंने आपको ये कह रखा है कि इनके पदों के बीच का अंतर देख लो, अंतर कितने तक आ रहा है? एक एक का। तो कौन सी श्रेणी लागू हो रही है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी लागू हो रही है तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर कितने का भाग? दो का। तो पहली संख्या 24, लास्ट वाली संख्या 97 क्या? लास्ट वाली संख्या 97, लास्ट वाली संख्या कितनी है? 97। इन दोनों को जोड़कर कितने का भाग देना है? दो का। तो भाई जोड़ो इनको, 7 और 4 11 हासिल की 1, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया? 12। 121 में कितने का भाग? दो का। 120 में दो का भाग दूंगा 60, और 1 में दो का भाग दूंगा आधा, तो आंसर कितना हो गया? 60.5। और आपका ऑप्शन डी सही है, सी सही नहीं है भाई, सी तो इसका योग हो गया, मैंने आपको औसत पूछा था इसका। हाँ, बाद में है तेरे आंसर, रोटी खा लिया दिखे मैं नहीं लाग रहे है। कल से तू रोटी 9 बजे बाद, 10 बजे बाद खाएगा भाई, ठीक है? हाँ, किसको कह रहा हूं मैं ये बात, समझ गया वो, पहले सीसी आंसर दे रहा था फिर डी आंसर दे रहा है, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए मैं आपका टाइम लेऊंगा, क्योंकि जो अगली टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसके क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। देखो इधर, एक संख्या है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या होती कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 गलत। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। और सम संख्या के एग्जाम्पल होंगे 2, 4, 6, 8 और 1, 0, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है? ये सम संख्या के एग्जाम्पल होंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो आपको भी पता है, और क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार आता है इसका क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाक से आपके पास आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इसके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताना। जैसे क्वेश्चन लिखूं मैं आपके पास कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
62 है, तो के बाद देखो तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, तो के बाद ये भी पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा, तो पहले तो अपन यही निकाल लेते हैं सबसे बड़ी और छोटी संख्या। तो सबसे छोटी या फिर बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, ठीक है भाई, जिसके आंसर आ रहा हो फटाक से बता सकता है। देखो इधर बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा इसका, जिंदगी में कभी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, चाहे मैं ये नहीं कह रहा आपको 5 संख्या दे, यहाँ पे 50 संख्या दे, 500 संख्या दे, 5000 संख्या दे, चाहे 50,000 संख्या दे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर भाई। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ही अगर पेन उठाएंगे तो फिर कंपटीशन एग्जाम पास कैसे करेंगे अपन। आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपने पास, एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन आता है, पटवार के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ये बात अलग है कि यहाँ पे 5 की जगह वो 11 संख्या भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, 20 भी, 5 भी दे दे क्या पता, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन याद कर लेना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 62, और ये 62 कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत है, ठीक है भाई। सबसे बड़ी और कौन सी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी। देखो इधर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, आराम से देखना इसको, डिटेल से देखना, बिल्कुल डिटेल से देखना, जीरो मेथड से, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि माना जो पहली सम संख्या है उसको क्या मान लूं, एक्स। डिटेल से देखना इसको, देखते रहना आप, अभी आपको न समझ में आए। पहली संख्या देखो भाई, पहली सम संख्या 2 है तो दूसरी कौन सी है, 4, तीसरी कौन सी है, 6। पहली 2 है तो दूसरी संख्या 4 लाने के लिए पहली संख्या में कितना जोड़ूं, 2। तो पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, x प्लस कितना, 2। तीसरी सम संख्या कौन सी होगी, x प्लस 4। चौथी सम संख्या कौन सी होगी, x प्लस 6। और पांचवी सम संख्या कौन सी होगी, x प्लस 8। ये बात तो समझ में आ गई, पहली सम संख्या x माना तो दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। अपने को क्या पता है कि सर ये पता है औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या ये पता है। तो राशियों का देखो अपने पास क्या दे रखा है, कहीं पे औसत दे रखा है क्या, दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था, 62, तो औसत की जगह रख दिया मैंने 62। राशियों का योग मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो x को एक साथ जोड़ते लाओ, 1x, 2x, 3x, 4x और 5x। तो x तो कितने हो गए भाई, 5x, प्लस संख्या को जोड़ो 8 और 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20। संख्या कितनी है, 5, तो 5 का भाग लगेगा, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लिया, 1, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ, ठीक है। क्या करेंगे सर, वज्र गुणा कर दो, 62 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 दुनी 10, हासिल की 1, 5 से के 30, 30 और 1 कितना हो गया, 31, बराबर 5x प्लस 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 20 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, x वाली संख्या एक तरफ ले लो, अंकों वाली संख्या एक तरफ, यही करते थे, तो ये प्लस का 20 इधर उठ के आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 310 में से 20 गया तो कितना बच गया भाई, 290, और इधर कितना बच गया, 5x, ठीक है। मान किसका निकालना है, x का, और क्यों निकालना है, क्योंकि सर हमने सम संख्या क्या मानी है, x ही स्टार्ट की। तो x के साथ में 5 गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो 290 में कितने का भाग, 5 का, 5 से कितनी बार कट गया भाई, 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, कितना बच गया, 4, मतलब संख्या आगे वाली 40 हो गई, फिर 5 से कितनी बार कट गया, 8। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 58।
तो जहां भी मैंने x माना है वहां पे कितना रख दूं, 58। तो यहां पे संख्या हो गई 58, 58 और 2 कितना हो गया 60, 58 और 4 कितना हो गया 62, ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 66। तो मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये पांच क्रमागत संख्या है या नहीं है? 58 के बाद 60, 62, 64 और 66, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 66 आंसर। सबसे छोटी कौन सी है? 58 आंसर। अपने को यही पूछा था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ये था इसका बेसिक मेथड। पहले अपने को यही करना पड़ता था और तब जाकर अपने को क्या मिलते थे, 5/5। और साथ में अगर ये क्वेश्चन कॉफी के अंदर होमवर्क था तो साथ में अपने को मिलता था, वेरी गुड, ये भी मिलता था, लेकिन वो जमाने गए, ठीक है, वो स्कूल टाइम था, ये कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है। अपने को इतनी डिटेल करनी ही नहीं है वहां पे, अपने को तो बस कैसे भी निकाल के 58 लाने हैं और कितना लाना है, 66 लाना है। 58 के और 66 के नंबर हैं इन, ये जो जो भी लिखा हुआ है ना, इनके कोई नंबर नहीं है। वहां पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के चार ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, कैसे आप अपने टाइम को बचा रहे हो ताकि आपके पास 58 और कितना आंसर आ जाए, 66। बहुत शानदार तरीका है, इधर देख सकते हो, तरीका वही है, ठीक है। देखो भाई, अपने पास संख्या कितनी थी, 5। अब 5 तक तो गिनती में पढ़ाऊंगा नहीं आपको, इधर ही देख लो, अंगूठा 1, 2, 3, 4 और 5, गिनती तो आती है ना 5 तक, लिख लो इसको 1, 2, 3, 4, 5, लिख दिया मैं, देख लेना इधर, उतार लेना इसको, गिनती नहीं आती है, ठीक है। अब देखो इधर, 5 तक मैंने गिनती लिख ली, ध्यान रखना औसत का मतलब होता है माध्य। कहीं पे आपके पास माध्य लिखा हो भी आ जाए ना, तो उसका मतलब औसत ही होता है। औसत का मतलब होता है माध्य, और माध्य का मतलब होता है मध्य, मध्य वाला, ठीक है भाई। जो अपने को क्वेश्चन के अंदर औसत दे रखा था, औसत का मतलब क्या हो गया, मध्य। इसका मतलब मध्य वाली संख्या कितनी थी, 62। मध्य वाली संख्या कितनी थी, 62। संख्या कितनी है, 5। इन 5 के अंदर मध्य वाली संख्या कौन सी है, इधर से एक हटाया तो इधर से भी एक संख्या हटा दो, इधर से दूसरी संख्या हटाई तो इधर से भी दूसरी संख्या को हटा दो, तो बीच में आपके पास संख्या कौन सी बच गई, 3। और ये इसी के नीचे आप औसत रख दो, 62। इसी के नीचे आप औसत रख दो, 62। देखो बात किसकी चल रही है, सम संख्या की, तो 62 के आगे सम संख्या कौन सी होती है, 64। और 64 के आगे कौन सी होती है, 66। 62 के पहले कौन सी होती है, 60। और 60 के पहले कौन सी होती है, 58। तो क्या सबसे छोटी संख्या 58 आ गई क्या, आ गई। सबसे बड़ी संख्या 66 आ गई क्या, आ गई। अब बताओ इसके अंदर टाइम कितना लगा, गिनती आती होगी ना, तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का आंसर है, मात्र ज्यादा से ज्यादा। हाँ लोकेंद्र भाई, मैं समझ गया, आपके 66 आंसर आ रहे हैं, 58 आंसर आ रहे हैं, 5 संख्या थी, अगर मैं ये संख्या 50 दे देता तो आपके क्या आंसर आ जाते, क्या आ जाते क्या? अच्छा ये बात भी है, अगर 50 संख्या होती तो क्या सर इस मेथड से जल्दी आंसर आ जाता क्या? नहीं आता, ये बात ही करेक्ट है। तो इसके लिए एक और देखो, इसको मिटा रहा हूं, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है भाई लोकेंद्र। 50 संख्या हो, 500 संख्या हो, या कितनी भी संख्या हो, एक मेथड आपको मैं बता देता हूं, इससे भी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी अपने को पता है, अभी अपन इसके अंदर क्या किया, देखो पहले वाले में भी यही किया था, औसत की जगह 62 रखे थे, और उस 62 की वजह से ही अपन छोटी संख्या और बड़ी संख्या लेकर आए हैं। अगर ये 62 ना होता ना, तो ना तो 58 आता, ना ही 66 आता। इसका मतलब इस 62 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, औसत जो आपको दे रखा है। इस 62 से देखो, आपके पास 62 दे रखा है, इसी 62 से आपने एक तो छोटी संख्या प्राप्त की है, और एक ने कौन सी संख्या प्राप्त की है, बड़ी। छोटी का मतलब तो कौन सी संख्या हो गई भाई, प्रथम संख्या, और बड़ी का मतलब कौन सी संख्या हो गई, अंतिम संख्या। बड़ी का मतलब कौन सी संख्या हो गई, अंतिम संख्या, इसी से प्राप्त की है ना। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी का नाम सुनते ही प्लस चिन्ह का मन कर रहा है या माइनस का? छोटी का नाम सुनते ही किसका नाम, माइनस का चिन्ह,
और बड़ी के लिए किसका चिन्ह यूज करोगे? प्लस का। ये तो कर सकते हो। छोटी के लिए माइनस चिन्ह और बड़ी के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब सर कहां करेंगे ये संख्या? अपने पास क्वेश्चन में संख्या कितनी थी? पांच। संख्या कितनी थी? पांच। उसमें से एक कम कर दो। अगर 50 संख्या हो तो भी कितना कम करना है? एक। 5000 संख्या हो तो भी कितना कम करना है? एक। 500 संख्या हो तो भी कितना कम करना है? एक ही कम करना है। वो एक कम क्यों करना है? क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में कितने एक छोड़कर, एक तो क्या होती है सम और एक क्या होती है विषम, इसलिए अपने को कितना कम करना है? एक। क्वेश्चन में मेरे पास संख्या कितनी थी? पांच। एक कम किया, कितनी बच गई? चार। एक बार चार घटा दो, एक बार चार जोड़ दो। 62 और चार कितना हो गया? 66। 62 और चार में घटाया तो कितना हो गया? ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। कितनी भी बड़ी संख्या दे। अगर अब आपको क्वेश्चन आपको ये दे देना कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपके पास 78 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देख लो। भाई मैंने इसके अंदर किया था, पांच संख्या थी, पांच तक गिनती लिखा, औसत का मतलब था माध्य, माध्य का मतलब था मध्य, तो जो भी मध्य वाली संख्या थी उसके नीचे मैंने औसत रख दिया, औसत रखा 62। अब फिर मैंने ये देखा कि क्वेश्चन किसका चल रहा था, सम संख्या का या विषम संख्या का? सम संख्या का चल रहा था, तो 62 के आगे सम संख्या 64, 64 के आगे 66, 62 के पहले 60 और 60 के पहले 58। तो मेरे से यही पूछा गया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी तो होगी 58, सबसे बड़ी कौन सी होगी? 66। ये तरीका यूज करो तो भी ठीक है, ये तरीका तब तक ठीक है जब तक अपने को 5-10 संख्याओं तक दे तो ठीक है। ठीक है, अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए तो ये तरीका जिंदाबाद है। 62 औसत था, इस 62 से ही मैं कौन सी संख्या? छोटी संख्या और कौन सी संख्या? बड़ी संख्या निकाल रहा हूं। ठीक है, छोटी संख्या का मतलब पहली संख्या, बड़ी संख्या का मतलब अंतिम संख्या होगी। छोटी के लिए किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह, और बड़ी के लिए किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, संख्या देखनी है कि संख्या कितनी थी? पांच। पांच में से कितना कम किया? एक। एक कम किया तो एक कम करते ही कितना आया? चार। एक बार चार घटा देना, एक बार चार जोड़ देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 92 है, तो सबसे छोटी और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? फटाक से आंसर बताओ इसको। हाँ भाई आंसर बताओ फटाक से, जल्दी से। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 92। अपने को केवल इसी के ऊपर काम करना है, जो औसत दे रखा है औसत के ऊपर काम करना है। भाई औसत कितना दे रखा है आपको? 92। और इसी 92 से आप कौन सी संख्या निकाल सकते हो? छोटी संख्या। और कौन सी संख्या निकाल सकते हो? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब कौन सी संख्या होगी? अंतिम संख्या। और छोटी संख्या का मतलब कौन सी संख्या होगी? पहली संख्या या प्रथम संख्या। छोटी के लिए किसका चिन्ह यूज करोगे? माइनस का। बड़ी के लिए किसका चिन्ह यूज करना है? प्लस का। इतना तो कर ही सकते हो ना आप, बाकी तो अपन आगे देखेंगे क्या करेंगे। बाकी देखो भाई संख्या कितनी है आपके पास? पांच। संख्या कितनी है? पांच। पांच में से कितना कम करना है? एक। पांच में से कितना कम करना है? एक। पांच में से एक कम करूंगा तो कितना बच गया? चार। तो एक बार चार घटा दो, एक बार चार जोड़ दो। भाई 92 में चार जोड़ा तो कितना आ गया? 96। 92 में से चार घटाया तो कितना आ गया?
88। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी सम संख्या, तो छोटी सम संख्या कौन सी, 88। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका ठीक है, 88 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो क्वेश्चन, 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 164 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, फटाक से बताओ भाई। ग्यारह क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 164। अपने को मतलब इसी से है, जो औसत दे रखा है उससे अपना आंसर उसी से आएगा। देखो औसत कितना दे रखा है, 164। इस 164 से ही अपन कौन सी संख्या, छोटी संख्या, और कौन सी संख्या, बड़ी संख्या निकाल पाएंगे, बड़ी के लिए प्लस और छोटी के लिए माइनस, इतना सा तो कर ही सकते हैं, जल्दी से डायग्राम बना लो, छोटी के लिए माइनस और बड़ी के लिए प्लस। अब देखना है कि अपने को संख्या कितनी है, 11। संख्या कितनी है भाई, 10 और 1 11। संख्या आपके पास 11 है, 11 में से कितना कम कर दो, एक कम कर दो, 11 में से एक कम किया तो संख्या कितनी बच गई, 10। एक बार आपको 10 घटाना है, एक बार 10 आपको जोड़ना है, तो 164 में से 10 गया तो कितना बच गया भाई, 154, और यहां पे कितना हो गया, 174। अपने को कौन सी संख्या पूछ रहा था, बड़ी सम संख्या, तो बड़ी सम संख्या कौन सी हो गई, 174, और आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, 174 बी ऑप्शन ठीक। ठीक है, बाकी कल करेंगे। हाँ डेली अपनी लाइव क्लास रहेगी रात को 9 बजे। ठीक है, ये अपनी पहली क्लास थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आवाज़ ना आना एक टेक्निकल प्रॉब्लम ही है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।